हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाइसा किचन हिंदी में। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार मीठे चावल, कलरफुल। तो कोई भी शादी हो, फंक्शन हो या कोई भी ओकेशन हो, तो उसमें मीठे चावल बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरा देखना है और आपको मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरे मीठे चावल की रेसिपी कैसी लगी। तो बनाना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, करी मैंने चावल लिए 250 ग्राम, और ये बासमती राइस है लंबे वाले। तो जितने लंबे चावल होंगे उतने ही आपके चावल मीठे बनने के बाद बहुत अच्छे लगेंगे, दिखने में भी और खाने में भी। यहाँ पे मैंने इनको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था और पानी इसमें से मैंने निकाल लिया है और बिल्कुल साफ़ करके धो लिया है हमने चावल को। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही 200 ग्राम चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे नारियल की जो गिरी होती है उसकी इस तरह से पीस कटिंग कर ली है, पतले पतले लंबे लंबे। और यहाँ पे लिया आधा कटोरी देसी घी, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ चिलौंजी, तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर दें, ये ऑप्शनल है। और यहाँ ले रहे हैं हम किशमिश के 20 से 25 दाने, इस तरह से थोड़ी सी हल्की मोटी होनी चाहिए किशमिश, जिस तरह से साइज में दिख रही है। यहाँ पे ले रहे हैं हम 10 से 15 टुकड़ी काजू की, और यहाँ पे मैंने 5 से 7 बादाम ली थी, 2 पीस में कटिंग कर ली है। साथ ही यहाँ पे बादाम काजू की हम इस तरह से रेडीमेड वाली कतरन ले रहे हैं, ताकि ये जो भी चावल हमारे बनेंगे तो दिखने में बहुत लगेंगे सुंदर। 5 इलायची लिए मैंने, इसका हम पाउडर बना लेंगे। और यहाँ ले रहे हैं हम थोड़ा सा फ्रूट कलर ऑरेंज, ताकि चावल में अच्छे से कलर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये लिया 3 से 4 पिंच। तो पहले सबसे पहले हम कलर बना के तैयार कर लेंगे, तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, और यहाँ मिला लेंगे इसको इस तरह से। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम कलर बना के तैयार कर लेते हैं। तो पानी में मिला के इस तरह से कलर बना लिया है मैंने इसका, यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इसको तो रख देते हैं हम साइड में, और गैस पे मैंने पानी गर्म करने चढ़ा दिया था, पानी में उबाल आ चुका है। और यहाँ पे इसमें मैंने ऐड कर दिया है कलर, तो यहाँ पे पानी में कलर ऐड करने के बाद भी उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे अभी हमने जो चावल भिगो के रखे थे उनको कर देंगे इसमें ऐड। तो यहाँ पे देखिए चावल ऐड कर देंगे, और चावल आप लंबे वाले ही ले, बासमती राइस किसी भी तरह के ले सकते हैं। और एक बार इसको मिला लेंगे और कंटिन्यू इसको जब तक हम चलाएंगे, जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है, क्योंकि नहीं तो चावल नीचे हमारे लग जाएंगे, भगोनी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें उबाल आ चुका है एक, और उबाल आने के बाद आधी टेबल स्पून मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ, ताकि चावल ज़्यादा मेल्ट भी हो जाएंगे तो चिपकेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि चावल मेल्ट हो जाते हैं। ढक्कन लगा के रख देंगे करीब इसको 5 से 7 मिनट के लिए, मीडियम लो फ्लेम पे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेते हैं। और देखिए पानी भी सोख हो चुका है पूरा, चावल ने पानी सोख लिया है और चावल बिल्कुल हमारे बन चुके हैं या ओवर कुक कर लिया है मैंने इनको। अभी यहाँ मैंने ली एक चलनी ले ली है, इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा चावल के अंदर से। और यहाँ पे देखिए काफ़ी गर्म है अभी चावल, तो चावल गरम है तो इन्हें एक बार थोड़ा सा हिला लेते हैं, इस तरह से फैला लेंगे चलनी के अंदर, तो जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि जब तक ये ठंडे नहीं होंगे तब तक हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए इसको रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए, और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, इसमें ऐड किया है घी 1 छोटा चम्मच। आप घी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा भी। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है इसमें, चावल भी ठंडे हो चुके होंगे हमारे इतनी देर में। ये देखिए चावल ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल, और ज़्यादा ठंडे भी नहीं करने, हल्के से थोड़े से गर्म होंगे तो भी चलेंगे। और यहाँ पे भी कढ़ाई में ऐड कर देंगे चावल, तो यहाँ पे घी में चावल ऐड कर देंगे, तो ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इस तरह से पूरे ऐड कर देंगे एक साथ। आप घी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो घी ज़्यादा ऐड कर लें, मुझे घी और चीनी यानी कि मीठा कम पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चीनी इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, खाली इस तरह से थोड़ा सा इसको चीनी को कवर कर दें चावल से, और यहाँ पे ये अपने आप मेल्ट हो जाती है चीनी, तो यहाँ पे मिलाएंगे नहीं इसको हम। और इस तरह से अभी इसको कवर कर दिया है हल्का सा मैंने, तो ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर जब तक चीनी मेल्ट होती है 30 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए ढक्कन हटा लेंगे, चीनी मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, जैसे ऑरेंज कलर इसमें आ चुका है, चाशनी सी बन चुकी है चीनी की। तो यहाँ मिला लेंगे एक बार इसको इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए चीनी मेल्ट होने के बाद बहुत ही बढ़िया प्यारा कलर आया है चावल के अंदर, तो
तो चीनी ऐड करने के बाद तो कभी भी हलवे में किसी भी रेसिपी में कलर आता ही है। तो यहाँ पे बादाम काजू की जो कतरन है सबसे पहले वो ऐड कर दिए। ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे यहाँ पे हम, काजू ऐड कर दिए हैं। अब साथ ही ऐड कर देंगे इसमें किशमिश, और यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे हम चिलौंजी। साथ ही चिलौंजी के साथ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर। यहाँ पे ऐड कर देंगे नारियल के कुछ कटे हुए पीस, इस तरह से बादाम कतरन। और यहाँ पे एक बार मिला लेते हैं सभी ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर। तो यहाँ पे मिलाने के बाद में देखिए इस तरह से मिला लिया है। काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा ऐड कर लें, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें। यहाँ पे मैंने थोड़ी ही मात्रा में ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, तो एक बार इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल खिले खिले हमारे यहाँ पे मीठे चावल एक एक यानी कि दिख रहा है, एकदम लंबा लंबा तीखा तीखा चावल दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। ढक्कन लगा देंगे, 15 सेकंड के लिए रख देंगे इसको थोड़ा सा हम। तो यहाँ 15 सेकंड हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी बिल्कुल चाशनी बन के आ गई है, और मैं आपको दिखाऊंगी उठा के कि इसमें घी बिल्कुल निकल के आ चुका है। यानी कि जब घी तेल जैसे जैसी भी तरी होती है तो वो छोड़ देती है, तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ इसमें घी दिख रहा है। यानी कि थोड़ा सा घी ऐड किया है, मगर ये पूरा पक के है तैयार। गैस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे ये कलरफुल मीठे चावल की रेसिपी बन के है तैयार, बिल्कुल बढ़िया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा दें अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए।